आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के बी नंबर में। बी नंबर है आपका 5600 यानी 5600। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम पेयरिंग कर दीजिए। देखिए, अब 56 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उससे कम लेके जाएंगे, यानी 7 7 7 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए 7 2 से कितना होगा, 14। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी डिजिट लिखनी है जिसको लिखने के बाद जो नंबर बने उसको उसे यहाँ लिखी हुई डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले या इससे कम मिले। तो हम लिखेंगे 4, तो 1444 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 16 की 6 कैरी ओवर 1, फिर 4 4 16 कैरी 1 ऐड करेंगे 17 की 7 कैरी ओवर 1, फिर 4 1 4 + 1 5 आ जाएगा 576। अब माइनस करेंगे 700 में 576, तो देखिए 10 में 6 माइनस करेंगे बचेगा 4, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 बचेगा 6, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, तो आ गया रिमाइंडर आपका 124। तो हम लिखेंगे वी गेट द रिमाइंडर 124। ठीक है, मीन्स जो आपको 74 का स्क्वायर है वो छोटा है, किससे छोटा है, 5600 से स्मॉल है। ठीक है, तो नाउ हम फाइंड करेंगे 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर मतलब 75 × 75, तो हमें कितना मिलेगा, 5625 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वो नंबर फाइंड करनी है जिसको इसमें ऐड करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर क्या होगी, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम द नंबर टू बी एडेड, द नंबर टू बी एडेड टू 5600, नंबर टू बी एडेड टू 5600 इज 5625 में माइनस करेंगे 5600, तो आ जाएगी 25, मतलब 25 को जब हम ऐड करेंगे इसमें तो ये बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये देखिए, अब स्क्वायर रूट क्या होगा 5625 का, 5625 का स्क्वायर रूट होगा 75, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक और मैं बता देती हूँ आपका, ई नंबर है आपकी 4601, ठीक है, नेक्स्ट है ई नंबर, ई में है 4601। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 4601, पेयरिंग करेंगे। देखिए, अब देखिए 46 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो देखिए 6 6 36 होता है, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेके जाएंगे 6 6 36, माइनस करेंगे 10 बचेगा, ये पेयर नीचे आएगा तो बन गया 1001। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 2 12। ठीक है, अगर हम यहाँ 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 128 को 8 से, तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम क्या लेके जाएं, यहाँ कौन सा डिजिट लिखेंगे, 7, और मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। देखिए 7 7 जब 49 की 9 कैरी ओवर 4, 7 2 जब 14, 14 में 4 जोड़िए 18 की 8 कैरी आई 1, 7 1 जब 7 7 1 जोड़िए 8, तो आ गया आपका 889। अब 1001 में आप माइनस करिए 889, तो देखिए कैरी लेंगे हम, इसको देंगे तो 10 हो जाएगा, इसको देगा तो 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में 9 माइनस करिए 2 बचेगा, 9 में से 8 1 और ये कैंसिल 0 हो गया, तो देखिए रिमाइंडर कितना बचा, 112। तो हम लिखेंगे वी गेट द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर क्या मिला, वी गेट द रिमाइंडर 112, हमें रिमाइंडर मिल रहा है 112। दिस मीन्स
दैट इसका मतलब ये है कि जो आपका 67 का स्क्वायर है वो स्मॉलर है, यानी छोटा है किससे, 4601 से। तो नाउ अब हम फाइंड करेंगे 68 का स्क्वायर, मतलब 68 इंटू 68 तो कितना आएगा, 4624 आएगा। ठीक है, अब हमें वो नंबर फाइंड करनी है जिसको दी गई नंबर में ऐड करें तो वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर कैसे फाइंड होगी, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे द नंबर टू बी एडेड, द नंबर टू बी एडेड टू किसमें ऐड करेंगे, उसको 4601 में इज क्या होगी, 4624 में माइनस कर दीजिए 4601 तो आ जाएगा 23। 4624 में हमने माइनस कर दिया 4601 तो आ गया 23, मतलब 23 को जब हम ऐड करेंगे इस नंबर में तो वो बन जाएगी परफेक्ट स्क्वायर। और देखिए उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4624 इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 68। समझ में आया आपको, यहाँ तक आप कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने बताए उसे पढ़िएगा अच्छे से और जो होमवर्क है उन्हें लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, रिमाइंडर बचा 112। ठीक है, अब 112 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब जो 67 का स्क्वायर है वो छोटा है किससे, 4601 से स्मॉल है। ठीक, तो हम 68 का स्क्वायर फाइंड किए, 68 का स्क्वायर आया 4624। अब हमें एक ऐसी नंबर फाइंड करनी है जिसको इसमें हम ऐड करें तो रिजल्टिंग नंबर जो हो वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे इसको। तो देखिए हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमें मिला 23, और 23 को जब हम ऐड करेंगे इसमें तो जो रिजल्टिंग नंबर होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, और रिजल्टिंग नंबर है ये और इसका स्क्वायर रूट है 68। ठीक है,